साथियों नमस्कार। टेक्निकल स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उस्मानी सर आज आप लोगों को एसी मोटर बाइंडिंग के बारे में बताऊंगा। तो जैसा जानते हैं कि आप जो है हमारे घरों में या हमारे वर्कशॉप में एसी मोटर लगी होती है और वो चलती है तो खराब हो जाती है, तो उनको जो है रिपेयरिंग के लिए बाइंडिंग जो रिबाइंडिंग करना पड़ता है। तो उसकी बाइंडिंग जो विभिन्न प्रकार की होती है, तो उन बाइंडिंगों के बारे में जो है जान लेते हैं कि कितने प्रकार की बाइंडिंग होती है, क्या क्या उसके टर्म होते हैं, क्या उसकी टर्म्स होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं और किस प्रकार से बाइंडिंग करके एक जो है बढ़िया रिबाइंडिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास होता है क्या होता है। हमारे पास जो स्टेटर होता है तो उसको क्या करते हैं, पुरानी बाइंडिंग का डाटा नोट कर लेते हैं। जितने भी सिंगल फेज है तो सिंगल फेज की, थ्री फेज है तो थ्री फेज की, और उसकी जो बाइंडिंग जब उतारते हैं तो उसके जो किस प्रकार के बाइंडिंग की हुई है, चेन बाइंडिंग है या जो भी प्रकार की बाइंडिंग है, उसको पूरा एक चित्र बना लेते हैं। और चित्र बनाने के बाद में किस प्रकार का इंसुलेटर उसमें यूज किया गया है, इंसुलेटर के बाद में जितना भी जो भी बायोडाटा है उसको एक कागज पर नोट कर लेते हैं, और किधर से मोटर खोली गई है उसको जो है निशान लगा लेते हैं। और नहीं तो क्या होता है उल्टा कभी कभी ढक्कन लग जाता, फिट नहीं बैठ पाता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। ये सब बायोडाटा एक पूरे तरीके से नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद में तार की HWG जो है नोट कर लेते हैं और उतने ही HWG का तार जो है ला करके रिबाइंडिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा अगर जो है ये हमारे हो गए मान लो खांचा है कोई, तो सबसे पहले देख लेते हैं उसमें खांचों में वायर बिठाना और कनेक्शन करना जो है रिबाइंडिंग कराता। तो सबसे पहले ये हमारी जो हम एक कॉइल बना लेते हैं, जिस प्रकार से अगर कॉइल ये खांचों में अगर बिठा देते हैं इस प्रकार से, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। ये अगर खांचों में बिठा दिया है तो ये हमारी जो ये भाग जो रहता है कॉइल के अंदर वाला जो भाग रहता है, ये भाग होता है एक्टिव साइड, ये दोनों भाग, और ये जो भाग होते हैं ये होते हैं इंडक्टिव साइड। इनका कोई महत्व नहीं, इसमें चुंबक नहीं बनता, मैग्नेट एरिया जो है इतने भी बनता है। तो ये हो गए एक्टिव साइड और ये हो गए इंडक्टिव साइड, अब ये हमारी हो गए लीड्स जो हम आपस में जोड़ देते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी जैसे भी कनेक्शन किए हो उस प्रकार से जोड़ देते हैं लीड्स को। तो यहाँ पर कुछ प्रकार की बाइंडिंग जो है हमने तैयार की है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्किन बाइंडिंग है। स्किन बाइंडिंग क्या करते हैं, इसमें एक बड़ी सी कॉइल जो है तैयार कर लेते हैं, और ये जो जो है हमारे स्टेटर हो गए, स्टेटर के खांचे हो गए, स्टेटर के ये हो गए खांचे। तो बड़ी बाइंडिंग एक तैयार कर लेते हैं और उसको एक कॉइल में बिठा के इधर से बिठाया और इस कॉइल में इस प्रकार से ले जाके, एक कॉइल का हमारा सिरा है इस प्रकार के ले जाके और इस प्रकार से दूसरी वाली साइड में ले जाके, इस प्रकार से ले जाके, इस प्रकार से, इस प्रकार से ले जाके, और ये जो है निकाल लेते हैं। जो हमारे दोनों सिरे हैं इस प्रकार से निकाला, इस प्रकार से निकाला, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये सिरा जो है आ गया। तो एक हमारी लूप बनाते हैं जिसको एक टर्न दो टर्न के हिसाब से आराम से सेट कर लेते हैं। तो ये हमारी हो गई कौन सी बाइंडिंग, स्किन बाइंडिंग हो गई, ये हमारी कहलाते हैं स्किन बाइंडिंग। ये जो है सिंगल फेज मोटरों में बनने के काम आती है। नंबर दो हमारी है फ्लैट और लूप बाइंडिंग, ये हमारी हो गई फ्लैट या लूप बाइंडिंग। ये बाइंडिंग जो है साधारण बाइंडिंग होती है, सिंगल फेज मोटरों में भरने के काम आती है बाइंडिंग। और इसको क्या कहते हैं, पाल बना के सेट बना लेते हैं पाल के विभिन्न प्रकार के, और उन सेटों को स्टेटर में इस प्रकार से बिठा देते हैं, इस प्रकार से स्टेटर में बिठा देते हैं, और फिर जो है उनको आवश्यकता अनुसार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो जो है ये पोल बना पोल के हिसाब से उनके जो है कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम ये बाइंडिंग है हमारी चैन बाइंडिंग, लेट लुक ओवर लेट या चैन बाइंडिंग। ये जो है क्या होता है, देखने में जो है चैन के आकार की जो है आकृति इसकी होती है, इसलिए इसको जो है चैन बाइंडिंग कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक छोटी कॉइल एक बड़ी कॉइल, एक छोटी कॉइल एक बड़ी कॉइल, और इस प्रकार से जो है कॉइल सेट करके बिठा देते हैं ऊपर और नीचे लूप बना के इस जो है। तो ये देखने में जो है जो हमारी जंजीर होती है उसकी भांति लगती है, इसलिए इसका नाम जो है चैन बाइंडिंग पड़ा। ये भी जो है सिंगल फेज मोटर के में बाइंडिंग की जाती है। नंबर अगली हमारी जो बाइंडिंग है ये है हमारी स्क्यू बाइंडिंग, ये हमारी है स्क्यू बाइंडिंग। इसमें क्या होता है, इस बाइंडिंग को जो है एक सिरा बड़ा रखा जाता है, एक सिरा बड़ा तो रखा जाता है क्योंकि उष्मा वितरण ये जो है अगर मोटर पे लोड पड़ता है गर्म हो जाता है मोटर, तो इस बाइंडिंग में ये जो स्थान है ये उष्मा वितरण के लिए रखा जाता है, ताकि जो कॉइल की जो हीट है उष्मा है वो जो है बाहर जो है जा सके और कॉइल जो है ठंडी हो सके। इस प्रकार से ये जो है एक सिरा इसका बड़ा रखा जाता है।
ये हमारी हो गई स्क्रू बाइंडिंग। ये जो है उच्च वोल्टेज में कार्य करने वाली मशीनों में बाइंडिंग इसकी की जाती है। नंबर अगली बाइंडिंग है हमारी डायमंड बाइंडिंग। ये बाइंडिंग जो है इसका आकार जो है डायमंड हीरे की बात में, इसका आकार जो देखने में होता है वो हीरे की बात होता है, इसलिए उसका नाम जो है डायमंड बाइंडिंग पड़ा, तो डायमंड कॉइल बाइंडिंग पड़ा। तो ये जो है इस प्रकार से खाते पर बिठा के जो है ये भी उच्च वोल्टेज पर काम करने वाली मोटरों में प्रयोग की जाती है, तो इसलिए इसको जो है डायमंड बाइंडिंग कहते हैं। इसका आकार डायमंड की बात होने के कारण जो है नाम डायमंड पड़ा। नंबर अगला बाइंडिंग है इन्वोल्यूट बाइंडिंग। तो इसको क्या करते हैं, ये भी उच्च वोल्टेज पर काम करने वाली मोटरों में प्रयोग की जाती है। तो इसको सबसे पहले तो इसी प्रकार से करते हैं डायमंड की बात में जब बाइंडिंग कर देते हैं तो इन सिरों को जो है दबा करके जो है आयताकार आकार में कर देते हैं, ताकि ये जो बिल्कुल रेट लगने लगता है, बिल्कुल पैरेलल लगने लगता है, इसलिए समांतर नहीं आते। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी इन्वोल्यूट बाइंडिंग। ये भी उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली जो है मशीनों में प्रयोग की जाती है। तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद में जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो हम लोगों के सामने जल्द ही रहूँगा। तब तक के लिए मैं उज्ज्वल सर, जय हिंद जय भारत।